हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जनरल पर्पस कंप्यूटर वर्सेस एम्बेडेड सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज मीन बाय जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। सो गाइस, लिनक्स, मैक, देन विंडोज, ये टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर में हम मेनली यूज करते हैं। अब इनका काम क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स? बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स टू डिजाइन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, मतलब बहुत सारे कामों के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं। सो वी कैन से दिस इज मल्टीपर्पज। वेयर एज एम्बेडेड सिस्टम्स आर सिंगल फंक्शन, मतलब ये एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए बनाए। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन का काम है सिर्फ कपड़ों को वॉश करना। माइक्रोवेव ओवन काम है फूड को कुक करना। मतलब यहाँ पे जो टास्क है सिस्टम्स की, वो स्पेसिफिक है, तो हम इसको बोलते हैं सिंगल फंक्शन। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे आता है लो और नो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो इतने नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन टाइप के कंप्यूटर सिस्टम्स में हम अदर डिवाइसेस को लेते हैं, उसको अपने सिस्टम से अटैच करते हैं और हम सिंपली उसको ऑपरेट करते हैं। वेयर सो वी कैन से दिस इज नो लो और नो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। वेयर एज एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत ही ज्यादा टाइटली कंस्ट्रेंट्स होते हैं, दे आर सो मच ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इन टर्म्स ऑफ साइज, पावर, कॉस्ट, मेमोरी एंड रियल टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल टाइम, बिकॉज एम्बेडेड सिस्टम्स के जो डिवाइसेस होते हैं, ये जो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, उनको अपने टास्क को रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना रहता है। वो अपने टाइम डेडलाइन के बियॉन्ड नहीं जा सकते, इसके लिए हम इसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम आर बेस्ड ऑन रियल टाइम। नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस, फास्टर एंड बेटर। अब एज दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर कंटेनिंग मल्टी कोर प्रोसेसर्स, दे परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क, सो ऑब्वियसली दे आर फास्टर एंड बेटर। वेयर एज दिस आर फिक्स्ड इन रन टाइम रिक्वायरमेंट्स। यूजर इंटरफेस, इट मींस कि किसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। अब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो जनरली इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं। सो कीबोर्ड, डिस्प्ले, माउस, मोबाइल फोन्स में टच स्क्रीन रहता है। एम्बेडेड सिस्टम में इनपुट्स के लिए हम दिस आर द इंटीग्रेटेड इनटू रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड वी आर गिविंग द इनपुट थ्रू बटन एंड सेंसर्स। सेंसर्स को सिंपली सेंस द डेटा एंड रिस्पॉन्ड। ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस किस में कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ऑल्टरेशन में पॉसिबल, तो एप्लीकेशंस आर ऑल्टर्ड बाय द यूजर। वेयर एज इन एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस आर नॉट ऑल्टर्ड बाय यूजर, मतलब यहाँ पे जो अपने एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टैटिक होते हैं, वी कैन नॉट चेंज दिस। ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल पर्पस कंप्यूटर मे कंटेन, इट कंटेन द जीपीओएस। जीपीओएस स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड वेयर एज इन एम्बेडेड सिस्टम्स इट मे और नॉट कंटेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फंक्शन। अब इसका मतलब होता है कि अगर हम स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका है इलेक्ट्रॉनिक टॉय। वेयर एज अगर हम मीडियम स्केल या लार्ज स्केल की बात करें तो वहां पे हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो ये था गाइस आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर वर्सेस एम्बेडेड सिस्टम। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।